हूं मनोज मनु मुद्दे की बात में। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की, जो एक बार फिर से विवादों में। गोविंद सिंह राजपूत पर गंभीर आरोप लगाए गए, आखिर क्या आरोप लगे हैं इस पर विस्तार से हम करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे पाकिस्तान की, जहां की फौज पर गंभीर आरोप लग रहे हैं और कुछ ऑडियो लीक्स हुए, कुछ ऑडियो वीडियो लीक होने के बाद वहां पर सियासी घमासान मचा हुआ है। आखिर हम चर्चा करेंगे आखिर में कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर क्यों बवाल मचा हुआ है। पहले बीजेपी सड़कों पर थी और अब कांग्रेस सड़कों पर आ रही है, और राजभवन और मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच जोरदार टकराव की भूमिका है। इन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रभावशाली और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास गोविंद सिंह राजपूत की बात, जो शिवराज मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। जी हां, तो मध्य प्रदेश के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, जो पिछले दिनों खूब सुर्खियों में आए, सुर्खियों में आने का कारण क्या था कि उनके साले ने 50 एकड़ जमीन उनको 60 साल की उम्र में दान कर दी। अब यह मुद्दा लगातार चर्चाओं में आ गया। बुंदेलखंड की जमीन यानी कि सागर जिले से आते हैं गोविंद सिंह राजपूत, और बीजेपी के ही नेताओं ने गोविंद सिंह राजपूत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने भी इस मामले के भ्रष्टाचार को लेकर इनकम टैक्स में शिकायत कर दी। शिकायत किस बात को लेकर की है? शिकायत की है बेनामी संपत्ति को लेकर। वो मामला अभी ठंडा पड़ा नहीं था कि एक और गंभीर मामला गोविंद सिंह राजपूत के सामने आ गया, और उस मामले ने शिवराज मंत्रिमंडल के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की जड़ें हिला दी। मामला क्या है सुन लीजिए, कितना गंभीर है और आरोप कितने संगीन हैं वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन इस मामले से जुड़े हुए कुछ बयान हैं, उन बयानों को सुनिए, उन बयानों की गंभीरता को समझिए, उसके बाद मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि आखिर मामला क्या है। सुनिए ये तीन बयान। जो कि हमारी जमीन थी उसका हमारा केस चल रहा था सागर में, जो कि जो हमारी जमीन है वो माननीय गोविंद सिंह राजपूत जो मंत्री हैं, राष्ट्रपति में परिवहन मंत्री हैं, उन पे जो हमारी जमीन है उस पे स्कूल ही बन गया, वो चालू भी हो गई। इसके निर्णय में हमारे पिताजी गए थे 22 अगस्त 2016 में गए थे कि इसमें समझौता कर लो, कुछ नहीं होगा। तो जब से हमारे पिताजी गए तो आज तक नहीं लौटे हैं, आज 7 साल हुए जा रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ आए थे, क्योंकि वो दबंग आदमी। मैंने इसमें शिकायत भी की थी सिविल लाइन थाने में, 181 पर भी की थी, पर उसमें कोई नया नहीं मिला हमें, क्योंकि वो दबंग आदमी है, डराते हैं, धमकाते हैं, बोलते जैसे तुम्हारा हुआ वैसे, जैसे तुम्हारे पिताजी का हुआ वैसा तुम्हारा भी हो सकता है। ये गोविंद सिंह ना हम लोग पापा से मंगाते ना जमीन, 6 साल हो गई ना उसको, कोई पता नहीं, ना पता है ना वो कहाँ से गए थे, यहीं से थाने में शिकायत की थी क्या? जी थाने में भी शिकायत की थी हमारी, कोई वो नहीं है। पति कहाँ है आपके? उनका नहीं है मालूम। कितने दिन से? 2-3 दिन हो गए। क्या चाहते हो आप? मैं यही चाहते हैं सब ठीक हो जाए हम लोग का। तो आप ये बताइए, आपके जब ससुर लापता हुए थे तो आखिरी बार आप लोगों को कहाँ मिले थे, क्या बोल कर गए थे? कहीं नहीं मिले, जी बोले थे ना यहाँ के नारी लोग उठा ले लेना हम लोग को। मैं राजकुमार सिंह धनोरा, पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा, जो अभी जमीन से जुड़ा और मंत्री जी से जुड़ा मान सिंह पटेल का मामला है। मान सिंह पटेल लगभग 7 साल से गोल हैं, उनका कोई पता नहीं है, लापता है, जिसकी रिपोर्ट उनके लड़के सीताराम ने सिविल लाइन थाने में 26/8/2016 को दर्ज कराई थी, और 181 बार भी लगभग 10 बार इनने शिकायत दर्ज कराई, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनकी जमीन खसरा नंबर 174/17 गोविंद राजपूत के नाम पर हो गए, उसको लेकर इनका इनके पिताजी ने तहसीलदार के यहाँ केस लगाया था, उसमें गोविंद राजपूत जी का बयान भी है
कि मुझे नहीं मालूम यह जमीन मेरे नाम पर कैसे हो गई। उसके बाद ज्ञानवीर सेवा समिति उनकी पत्नी के नाम पर वह जमीन हो गई और उस पर कैम्बर्स स्कूल बन गया है। और जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आज माननीय उच्च न्यायालय में पिटीशन दायर की है कि इसको कोर्ट मानसिंह पटेल को कोर्ट में पेश किया जाए। कहाँ है, 7 साल से लापता है या उनकी हत्या कर दी गई है, या मतलब मुझे तो जो आशंका है कि मानसिंह पटेल की हत्या कर दी गई है और लगता है जो परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत जी हैं उनकी किला कोटी में ही मुझे आशंका है कि उनको दफना दिया गया है। इसकी उच्च न्यायालय से मुझे उम्मीद है कि हमारे सीताराम पटेल को सही न्याय मिलेगा। आप मामले को समझे? अगर नहीं समझे हो तो मैं आपको बता दूं कि आपने सुना मानसिंह पटेल का यह परिवार है, वो मानसिंह पटेल जो 22 अगस्त 2016 से गायब है। अब उनका परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। मंत्री कौन है? गोविंद सिंह राजपूत। आरोप ये लोग किस पर लगा रहे हैं? गोविंद सिंह राजपूत के ऊपर। अब मैं आपको पूरी कहानी बनाता हूं, थोड़ा रुकिए, समझिए, क्योंकि ये रुकने और समझने की बातें हैं। इस विषय को लेकर मैं आपको विस्तार से समझाता हूं। 3 तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। पहली तस्वीर में कौन था? सीताराम पटेल। सीताराम पटेल कौन है? मानसिंह पटेल के बेटे। दूसरी तस्वीर में कौन था? सीताराम पटेल की पत्नी, मानसिंह पटेल की बहू। और तीसरी तस्वीर में कौन है? धनुरा, जो कि बीजेपी के सागर जिले के पूर्व नेता रहे। अभी पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है क्योंकि वो गोविंद सिंह को लेकर लगातार मामले उठा रहे हैं। यहां पर थोड़ा यह भी समझना होगा कि विचारधाराओं का द्वंद भी है दोनों के बीच में। लेकिन मैं आपको बताता हूं मामला क्या है। एक जमीन है जो कि आप पीछे तस्वीरों में देख रहे हैं, किला कोठी के नाम से जानी जाती है। वो घर भी है, वहां पर स्कूल भी बना दिया गया है और उसका खसरा नंबर है 174/17। यह खसरा नंबर मानसिंह पटेल के नाम पर था। और उसके बाद यह जमीन, जो कि पीड़ित परिवार का आरोप है, यह जमीन गोविंद सिंह राजपूत के नाम हो जाती है। इस बीच सीताराम पटेल यह भी कहते हैं कि मेरे पिता जब विरोध करते हैं तो उन्हें 22 अगस्त 2016 को कंप्रोमाइज के लिए बैठकर बात करने के लिए बुलाया जाता है। और उसके बाद पता नहीं मेरे पिता कहां चले गए। उनका आज तक नहीं पता चल पाया है कि मानसिंह पटेल हैं कहां। इसको लेकर सीताराम पटेल शिकायत भी दर्ज कर चुके हैं, थाने में बात कर चुके हैं, लगातार वो दरवाजा खटखटा चुके हैं प्रशासन के पास, लेकिन उनके पिता का आज तक पता नहीं चल पाया। 7 साल हो गए, 22 अगस्त 2016 तारीख याद रखिए। इस बीच जो गोविंद सिंह राजपूत के पास जो जमीन है, जिसे मानसिंह पटेल की बताई जा रही है, माफ कीजिए, वो गोविंद सिंह राजपूत के पास जमीन जब तहसीलदार कोर्ट में बयान देने के लिए बुलाया जाता है तो गोविंद सिंह राजपूत कहते हैं कि मेरे नाम पर यह जमीन कैसे आ गई मुझे नहीं पता। उसके बाद अचानक से वो जमीन ज्ञानदीप सेवा समिति में कन्वर्टेड हो जाती है, वो जमीन उनके नाम हो जाती है। और वो जमीन में कौन है, उस समिति में प्रमुख कौन है? गोविंद सिंह राजपूत जी की पत्नी सविता जी। इसके बाद भी लगातार सीताराम पटेल शिकायतें कर रहे हैं क्योंकि जो मानसिंह पटेल है उनका तो पता नहीं है। ये 2016 का मामला है। अब इसके बाद 2018 में गोविंद सिंह राजपूत मंत्री बन जाते हैं। किस विभाग के मंत्री बनते हैं? राजस्व और परिवहन के। सरकार गिर जाती है, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ है, बीजेपी की सरकार आ जाती है, बीजेपी की सरकार में भी वो राजस्व और परिवहन मंत्री है। अब जब पहले गोविंद सिंह राजपूत ने तहसीलदार कोर्ट में कहा कि ये जमीन मेरे नाम पर कैसे आ गई मुझे नहीं पता भाई, तो उस वक्त तहसीलदार ने वो जमीन मानसिंह पटेल की क्यों नहीं मानी या सीताराम पटेल के नाम क्यों नहीं दर्ज कर दी? वो जमीन गोविंद सिंह राजपूत के नाम थी, वो जमीन उसके बाद उनकी जो एक संस्था है जिसमें उनकी पत्नी है सविता जी, उनके नाम पर आ गई और अभी भी गोविंद सिंह राजपूत मंत्री। अब इन सब के बीच क्या हो जाता है, विचारधारा का द्वंद हो जाता है क्योंकि पहले तो गोविंद सिंह राजपूत कांग्रेस में थे, अब वो बीजेपी में आ गए। और यहीं पर एंट्री शुरू होती है धनुरा की, जो कि बीजेपी के नेता।
ये वही बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने गोविंद सिंह राजपूत के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे तब जब उनके साले ने 50 करोड़ की जमीन उनको दान में दी, उनके परिवार को दान में दी। तब भी धनोरा का बयान आया था, हालांकि पार्टी ने इनसे किनारा कर लिया, इनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है और ये बड़ा गंभीर मामला है कि धनोरा अब सीताराम पटेल को लेकर पहुंच गए हैं सुप्रीम कोर्ट, और सीताराम पटेल यहां पर खड़े हुए थे वो पीछे आपको जो पिंक कलर की इमारत दिखाई दे रही थी वो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, और एक पिटीशन लगा दी गई। पिटीशन क्या है? सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्या लगाई गई है? याचिका ये लगाई गई है कि सीताराम पटेल पिछले 7 साल से गायब है, यह जमीन सीताराम पटेल की है और सीताराम पटेल को कंप्रोमाइज के लिए बुलाया जाता है और उसके बाद सीताराम पटेल का अता पता नहीं है। धनोरा कहते हैं, जो कि इस याचिका में भी जिक्र किया गया है, कि उन्हें पूरा अंदेशा है, याचिका सीताराम पटेल की ओर से लगाई गई है, उन्हें पूरा अंदेशा है कि मानसिंह पटेल की हत्या कर दी गई है और उनका शव या उनका शरीर इसी किला कोठी में, जिस पर आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, इसी के इर्द गिर्द इसी के आसपास दफना दिया गया। बहुत बड़ा गंभीर आरोप लगाया गया, लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आती है कि अगर सीताराम पटेल पिछले 7 साल से शिकायत कर रहे हैं तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पहले तो गोविंद सिंह राजपूत विपक्ष में थे, सरकार बीजेपी की थी, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसके बाद अगर वो मंत्री बन गए तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब बीजेपी के नेता इस मामले को मुद्दा बना रहे, हालांकि वो बीजेपी के नहीं रहे, पार्टी ने कार्रवाई कर दी। लेकिन मैंने कहा विचारधाराओं का द्वंद, ऐसी जगह जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के, पहले कांग्रेस ही थे अब बीजेपी पे हो, यानी कि सिंधिया के तमाम समर्थक, वहां पर बीजेपी का द्वंद चल रहा है और यह द्वंद का ही परिणाम है कि गड़े हुए मुर्दे अब उखाड़े जा रहे हैं। लेकिन ये जो मुद्दा उठाया गया है ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है और इस मुद्दे के जरिए अब तमाम लोग ये मांग कर रहे हैं, चाहे वो गोविंद सिंह के विरोधी हो या बीजेपी की विचारधारा के टकराव से जुड़े हुए लोग हो या फिर तमाम ऐसे लोग हैं वो मांग कर रहे हैं कि जब इतना गंभीर विषय है तो फिर मान सिंह पटेल कहां हैं, कैसे गोविंद सिंह राजपूत के नाम पर जमीन आई, कैसे गोविंद सिंह राजपूत ने यह कहा कि मेरे नाम पर यह जमीन कैसे आ गई मुझे ही नहीं पता है, और उसके बाद वो जमीन ट्रांसफर हो जाती है सविता जी जिस संस्थान में है उस संस्थान के नाम पर जो कि गोविंद सिंह राजपूत जी की पत्नी है। अब पार्टी में से लेकर चर्चा है, द्वंद है, लेकिन मामला जब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है तो निश्चित तौर पर इंतजार करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर देगा और जब वो डायरेक्शन देगा तो गोविंद सिंह जी की स्थिति बड़ी अजीब हो जाएगी क्योंकि दो मामले लगातार सामने आ चुके हैं।